जय माता दी। तो सुबह सुबह आज गन्नू महाराज एक बार फिर से तैयार स्कूल जाने के लिए, और आज से गन्नू महाराज के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो गन्नू महाराज आज किस चीज का पेपर है? आज हिंदी का है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, तैयारी हो गई है ना? हाँ, हो चुकी। अच्छे से देना। हाँ। और लीजिए, आपका स्कूल बस भी आ गया, तो चलिए बढ़िया है, अच्छे से दे रहे एग्जाम। तुमको भी ऑल द बेस्ट। तो ये गन्नू महाराज अब चल पड़े स्कूल, आज से इनके एग्जाम शुरू हो गए हैं। और मैं चला दौड़ने, और आज बहुत सारा कार्यक्रम है हमारा। अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे शंभू जी के यहाँ, वो हमारे इष्ट मित्र हैं, तो मुंबई से ऑपरेशन करा कर लौटे हैं, तो उनसे हम लोग एक शिष्टाचार मुलाकात करने भी जाएंगे। तब तक मैं दौड़ के आ जाऊँगा। 11 बजे हम लोग शंभू के घर पहुँच गए उसका हाल चाल पूछने के लिए। 1 बजे तक किया था हमको, नहीं 1:30 बजे। हाँ, आधा घंटा तो हमको उसमें बेहोश करने में लगा था, बेहोश करने में लगा टाइम लगा था। ऑपरेशन थिएटर तो इतना सुंदर था कि जैसे लग रहा है कि एरोप्लेन के अंदर नहीं होता है, बहुत सुंदर था। फोर्टीज में तो हम 10% थिएटर पूरा थिएटर मर गया। आपको डर लग रहा था? बाहर में वहाँ मतलब ऑपरेशन हो रहा था तो बाहर रखा होगा आपको? हमको बाहर रखा था। कब मिलने दिया था? अगले दिन? नहीं, दूसरे उसी दिन मिलने दिया। 9 बजे इसको इनको अंदर किया, 1:30 बजे में पूरा बेहोश किया था कि वहाँ पे सुन कर दिया। उतना ही पूरा सांस लेने बोला, लंबा लंबा सांस ले जाओ, पूरा बेहोश किया। 2-3 बार सांस लिया होगा, फिर हमको पता ही नहीं क्या हुआ। नहीं, एनेस्थीसिया होता है ना कि जैसे कोई एनेस्थीसिया किया होगा ऑपरेशन, उतना ही देर होता है। नहीं नहीं, वो पूरा हमको कब बेहोश किया, 2-3 बार सांस लिया, एनेस्थीसिया दिया, तो फिर कब ऑपरेशन करके फिर जब हम बेड पे देखे हमको उठेल के सब ले जा रहा है, तब होश आया है मेरे को। तो बोले हल्का हल्का चक्कर आ रहा है, हल्का हल्का उल्टी लग रहा है, चक्कर उल्टी। वोमिटिंग टेंडेंसी तो रहता है ऑपरेशन के बाद, लेकिन हुआ नहीं था। दिन भर लगा था इनका, लेकिन हुआ नहीं था। कितने दिन के बाद वहाँ फिर चलने के लिए इनको बोला? जस्ट दूसरे दिन, अगले दिन से चल रहे थे। चलना शुरू, लेटरिंग बाथरूम से ऑपरेशन करते थे, जस्ट दूसरे दिन से अपने जाने के लिए। बस उसी दिन थोड़ा सा, तो उस दिन तो कुछ खाना नहीं दिया था, तो कुछ हुआ भी नहीं, दूसरे दिन से अपने घर पे। तो इस वक्त हम लोग शंभू जी के घर पे आए हुए हैं, और सामने शंभू जी की वाइफ से मेरी बातचीत चल रही है, और ये अपना अनुभव बता रही हैं मुंबई के एक हॉस्पिटल का, जहां उनके पतिदेव का ऑपरेशन हुआ, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। और इस वक्त वो देखिए खुशहाल मुद्रा में यहां पे हैं, उनको काफ़ी फायदा हुआ। तो अच्छे जगह पे ऑपरेशन कराने का रिजल्ट अच्छा होता है, अच्छे डॉक्टर्स के पास आप जाइए। थोड़ा पैसा खर्च होता है, लेकिन आपको सुविधा अच्छी मिलेगी, और आपका जो कुछ भी काम होगा अच्छे तरीके से होगा। आप अपना अनुभव कैसा आप बताना चाहेंगे किसी को? बड़ा हॉस्पिटल से कुछ नहीं होता है, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। एक ही डॉक्टर वहाँ पे बम्बई में, एक ही डॉक्टर है, वो 10 हॉस्पिटल में अपना सर्विस देता है, 3 दिन यहाँ 3 दिन वहाँ, इतना टाइम से इतना टाइम यहाँ। उनके बारे में पता चला था कि बहुत अच्छा डॉक्टर है वो, और बहुत ईजी वे में बताया। और जहाँ दूसरे हॉस्पिटल में मेरे को 8-10 लाख बता रहे थे, ये मात्र मेरे से 2 लाख रुपया बोले थे, और 2 लाख भी नहीं लगा, 1,58,000 लगा। हाँ, और वो हॉस्पिटल में वही MRI कराते तो मेरे को 12,000 लगता, और हम बाहर से बोले बाहर से MRI, इसके यहाँ से MRI करा लो, मात्र 6,500 में MRI हो गया। और ECG वगैरह जो भी ब्लड टेस्ट जो 1 mg से कराए, एक एक ब्लड टेस्ट का 2,000 रुपया, जहाँ 10,000-12,000 लग रहा था, मात्र 1,600 में मेरा सारा ब्लड टेस्ट हो गया। ये अनुभवी भी काफ़ी हैं, तो इनका अनुभव भी काम आया वहाँ पे, और इन्होंने खुद से हर चीज़ों के बारे में जानकारी ली, और जो जहाँ तक किफायती दर पर हो सकता था वो उन्होंने खुद से करवाया। और आज ये बोकारो वापस आ चुके हैं, तो हम लोगों ने सोचा चलकर आज शंभू जी से मुलाकात करते हैं, और हम लोग आ गए उनसे मिलने के लिए। और इस वक्त हम लोग सभी एक परिवार के तौर पे यहाँ बैठे हुए हैं, और आज इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो गन्नू महाराज स्कूल से वापस आ गए हैं, और चलिए पूछते हैं आज उनका पेपर कैसा गया। वाह, चलो बस तुरंत उतरे। आप कहाँ थे? यहीं पे थे ना, तुरंत बस आई। कैसा हुआ पेपर? मस्त। अच्छा? हाँ अच्छा, एकदम। कितना? A*? हाँ, A*। चलो गन्नू महाराज आज पेपर देकर आए, तो इनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, और इनके चेहरे से ये झलक भी रहा है कि आज इनका पेपर अच्छा हुआ है। तो जल्दी से चलो कपड़ा चेंज करो, फिर
खाना खाने पे हम लोग टूट पड़ते हैं। इस वक्त रात्रि के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग आए हुए हैं केंद्रीय विद्यालय के सामने। एक ये ट्विस्ट एंड टेस्ट मोमोज काउंटर है और इनके यहाँ जो चाइनीज फूड है ना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे बच्चे अक्सर यहाँ आया करते हैं। तो अभी इत्तेफाकवश हम लोग यहाँ पहुँच गए, हालांकि यह वक्त है खाकर आराम करने का और मैंने अपने रात का डिनर ले भी लिया था, तभी सीमागिरी भाभी और भैया आ गए। उनका फ़ोन आया एक्चुअली में और उनका कहना था कुंदन चाउमीन खाना है क्या, तो मैं तो चाउमीन खाता नहीं हूँ और बच्चे मेरे बगल में सुन रहे थे उनकी आवाज़ को, तो बोले पापा आप नहीं खाते हैं तो क्या हुआ, आप बोल दीजिए हम लोग आ रहे हैं। और हम लोग देखिए यहाँ पहुँच गए हैं और मेरे दोनों बेटियाँ हैं यहाँ पर और वो देखिए अपनी पसंद की चाउमीन खा रही हैं। मीनू क्या लियो? पनीर चाउमीन। तो यहाँ पे तुम लोग तो पहले भी आते रही हो, कैसा टेस्ट है इसका? तो मेरे बच्चे जब कह रहे हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी यहाँ पे बोकारो वासी एक बार विजिट कर सकते हैं। और ये देखिए सीमा भाभी, हालांकि इन्होंने अपना जो हिस्से का था वो पहले ख़त्म कर चुकी हैं और फिलहाल औपचारिकता के तौर पे वो साथ में यहाँ शेयर कर रही हैं। भैया आपने क्या लिया था इसके पहले? चाउमीन और पनीर चिली। कैसा स्वाद था? अच्छा है ना। तो ये आप पहली बार यहाँ पे आए? इसके पहले 2-3 बार आ चुके हैं। आ चुके हैं, तो मतलब इनका टेस्ट भाभी अच्छा है? हम लोग अक्सर आते हैं, अक्सर आते हैं। तो चलिए, आप बोकारो वासी अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि केंद्रीय विद्यालय के समक्ष इनका ये वैन लगता है और वैन इनका बहुत ही आकर्षण का केंद्र बिंदु भी है, क्योंकि यहाँ वैन के ऊपर में बैठने की बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। तो आप एक बार यहाँ पे विजिट अवश्य करें। को शुभ रात्रि बोलने का इससे अच्छा अंदाज और कुछ नहीं हो सकता है। शिव भोले कुल्फी आइसक्रीम ये मारुति शोरूम के सामने में है और मैंने आज पहली बार यहाँ पे टेस्ट किया, स्वाद वाकई बहुत ही निराला है, मज़ा।